Due to environmental degradation and climate change issues, the quality of life for people here, and especially for women and children, has been impacted negatively. और उमंगक उद्देश्य बहुत सारा इनकम बड़ा बेर बहुत डबल बनुणक नहन बल्कि आपू पर्यावरण बारे में जागरूक रुणक छू और आप जल जमीन जंगल जानवरों को कसी हम आप ठीक धर सकनु और जो हमारे संसाधन छी उन दगड़ हम कसी खुश रह सकनु। मैं घर में के ना लीजिए खान पीन लेनी थी और 20,000 में के उन्होंने बीमारी कर्ज छी तो यहाँ बे मिल 20,000 कर्ज लतार छो अब नंजना के स्कूल पढ़ा छो और आप नंजना लीजिए एल घर के सब चीज मिल सब सही कर रहो। ट्रेड हमेर ज्यादा महत्वपूर्ण छू ट्रेड एक झणी अनेक झणिया के सिखा फिर वो एक झणी 20 झणिया के सिखा लो जब तो वो 20 झणी अगिल कने हर झणी 20 बिसा के सिखा लो कतो है जानियो तो वह बेर यस हो कि एक बहुत ठूल समुदाय हमार आत्मनिर्भर बन सको ट्रेड अनुसार। अपने मन से वो लेगे इंदिरा दी और बस्ती बुनाई कार्यक्रम को शुरू करने का महिला उमंग समिति का एक ही उद्देश्य था। उसमें हमने गरीब वर्ग की महिलाओं को, एकल महिला और विधवा महिलाओं को जोड़ा था और महिला उमंग समिति ने ही उनको उनकी एक पहचान करवाई और उनका संगठन बना के उनके जो हस्तशिल्प जो उनका कारीगरी थी उसको उसके द्वारा बाजार में एक पहचान उनकी करवाई। At the end of each financial year, the surpluses generated are returned back to every individual proportionate to their inputting into the business. हम ऐसा करते हैं वो जो लोन लेता है पहले बताता है मेरे को लोन की ज़रूरत है तो हम फिर चार औरतों को गुहा रखते हैं फिर उनके साइन भी कराते हैं और उसका प्रस्ताव भी बनाते हैं फिर बैंक जाके फिर वो पैसा निकालते हैं फिर उसको देते हैं। बहुत चलिए जी डबल जम हूँ ओके आप आपस में कभला समस्या है जब तो लोन पर तुरंत निकल जा ब्याज कम दे पड़ूँ बैंक के नहीं दे पड़न ब्याज आपस में जी बांटनी सब श्रेणिया के बहुत महसूस हूँ और आत्मनिर्भरता फील करनी डबल आप हथल निकालना और घर में ले इनर एक अलग इज्जत ही क्योंकि नाम जो यूल समस्या समाधान कर सकनी और डबल दे सकनी। उमंग ने मुझे एक साहस दिया अपने पैरों पर खड़े होने का एक साहस मुझे दिया। महिलाओं को जो गरीब मजबूर महिलाएं हैं उनको मैं आगे लाना चाहती हूं वो मेरी तरह मतलब जैसे आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ वो भी अपने पैरों पर खड़े हों कहीं पर मजबूर बेसहारा ना रहें वो उनके अंदर आत्मनिर्भरता रहे। We now hope that our experiences would help other people, other communities to set up similar ventures in India and maybe rest of the world as well.